हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लर्नर स्क्वाड। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि बीआरसी इंटरव्यू के लिए आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन कैसे करना है ताकि आपका सिलेक्शन का प्रोबेबिलिटी बढ़ सके। तो जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे, आपसे 5 सब्जेक्ट्स पूछा जाता है पिक करने के लिए। ठीक है, आपको 5 सब्जेक्ट पिक करना है। तो नॉर्मली ऐसा पाया जाता है कि जो मैक्सिमम आपके मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं, वो जो सब्जेक्ट पिक करते हैं, तो उनका जो थर्मल सेक्शन है वो उनको उस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है ना? तो जब भी आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन करना है, तो आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन इस तरह करना है, देखो कुछ चीज़ें ध्यान रखना है। सबसे पहले हमेशा आपको बेसिक सब्जेक्ट्स प्रेफर करना है। हमेशा जब भी आप पिक करो, आप बेसिक और फंडामेंटल सब्जेक्ट जैसे थर्मोडायनेमिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ये सारे टॉपिक आप पिक करो तो आपको बेनिफिट होगा। उसका कारण क्यों है? अप्लाइड सब्जेक्ट को आप पिक नहीं करना है। अप्लाइड सब्जेक्ट पिक करने से क्या होता है, जैसे मान लो आप पावर प्लांट पिक करते हो या आईसी इंजन पिक करते हो, तो क्या होता है कि आपसे जब अप्लाइड पार्ट में जाएंगे तो आपसे एप्लीकेशन पार्ट पूछा जाएगा। और यूजली जो इंजीनियर्स होते हैं वो इतना एक्सपेरिमेंटेशन वगैरह नहीं किए होते हैं अपने बीटेक के दौरान, तो उनको जब रियल लाइफ एप्लीकेशंस पूछा जाएगा तो थोड़ा दिक्कत होगा कंपेयर टू बेसिक सब्जेक्ट के। तो हमेशा आप प्रेफर करो कि आप बेसिक सब्जेक्ट करो, जो अप्लाइड सब्जेक्ट हैं आप उनको अवॉइड करो जहां तक पॉसिबल हो। ठीक है ना? अप्लाइड सब्जेक्ट को आपको अवॉइड करना। अच्छा, दूसरा चीज आपको जो ध्यान रखना है, अप्लाइड में क्या, जैसे स्टीम टरबाइन में, टरबाइन पे कुछ डिटेल में पूछने लगेगा तो आपने टरबाइन देखा नहीं होगा, फिर आपको दिक्कत होगा, है ना? फैक्ट बेस्ड अगर आपको पहले से पता तभी आप बता सकते हो, अदरवाइज तो दिक्कत होता है। ठीक है, दूसरा चीज जो 5 सब्जेक्ट पिक करना है उसमें आप स्मार्टली सब्जेक्ट पिक करो ताकि आपका 5 सब्जेक्ट भी कवर हो जाए और एरिया भी बहुत ज्यादा वाइड ना हो। ठीक है ना? जैसे आपने एक सब्जेक्ट टीडी पिक कर लिया और एक सब्जेक्ट मान लो आपने सॉन्ग पिक कर लिया, तीसरा सब्जेक्ट आपने प्रोडक्शन पिक कर लिया, तो अभी इससे क्या होगा कि आपका जो एरिया है वो बहुत ज्यादा वाइड हो जाएगा। जैसे आपने मान लो टीडी पिक किया, सॉन्ग पिक किया और प्रोडक्शन पिक कर लिया, अभी क्या है कि जब आप थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं ना, उनके हिसाब से वो आरएसी, आईसी, पावर प्लांट सबको थर्मोडायनेमिक्स में जोड़ देते हैं। ठीक है, जैसे आपने एफएम बोला तो वो नेचुरली हाइड्रोलिक से क्वेश्चन पूछ लेंगे आपसे, पंप वगैरह बोलेंगे तो फ्लूइडी तो है। ठीक है, अभी आप इसमें क्या, आपने टीडी बोल दिया तो टीडी से धीरे से कोई एचएमटी से कॉन्सेप्ट जोड़ के आपसे क्वेश्चन पूछ देगा। ठीक है, सॉम है तो नेचुरली मैकेनिक से कुछ सॉम का बेसिक क्वेश्चन बना के मैकेनिक से पूछ लेगा। प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन में कहीं भी जा सकता है। ठीक है, तो आपने अपना एरिया उनको ज्यादा बढ़ा दे दिया, इससे क्या होगा वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा आप आपके पास पूछ सकते हैं, तो ये कॉम्बिनेशन सही कॉम्बिनेशन नहीं होगा। ठीक है, चौथी चीज जो आपको ध्यान रखना है, तो बहुत लोग ऐसा कर सकते हैं 5 सब्जेक्ट थर्मल के पिक कर लिए। ठीक है, जैसे टीडी कर लिया, एचएमटी कर लिया, एफएम कर लिया, आरएसी कर लिया, आईसी कर लिया, ये भी नहीं चलेगा, तो बोलेंगे कि ये तो सारा थर्मल पार्ट है, अब डिजाइन पार्ट का बताओ। ठीक है, तो आपको ऐसा ध्यान रखना है कि आपका एरिया भी बहुत ज्यादा स्प्रेड ना करे और थर्मल और डिजाइन का कॉम्बिनेशन भी हो। ठीक है, तो जैसे जो मोस्ट प्रेफरेबल सब्जेक्ट मेरी समझ से मुझे समझ में लगता है वो है थर्मोडायनेमिक्स, हीट ट्रांसफर, फ्लूइड मैकेनिक्स। तो ये 3 सब्जेक्ट हो गए आपके थर्मल के, है ना? अब इसमें देखो कई चीजें हैं, एफएम और एचटी रिलेटेड है, है ना? कन्वेक्शन से पूछेंगे तो ऑटोमेटिकली वो फ्लूइड में आ ही जाएंगे। फिर एक सब्जेक्ट आपको सॉम पिक करना है क्योंकि डिजाइन से भी आपको चाहिए। अब जैसे
लोग मशीन डिजाइन पूछते हैं। मशीन डिजाइन थोड़ा सा एप्लीकेशन पार्ट में चले जाएगा, तो अगर आपको बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा अदरवाइज वो आपको दिक्कत कर सकता है। ठीक है, इसके साथ जो आपका पांचवा सब्जेक्ट है, आप कुछ भी पिक कर सकते हो, आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पिक कर सकते हो, या आप कोई थर्मल का दूसरा सब्जेक्ट पिक कर सकते हो। ठीक है ना, या जैसे थ्योरी ऑफ मशीन आप अगर आप बोलते हो, तो थ्योरी ऑफ मशीन में भी क्या होगा कि थ्योरी ऑफ मशीन का भी सिलेबस थोड़ा सा एप्लीकेशन पार्ट में ज्यादा है, तो वहां पे आपको दिक्कत होगा, आप ईएम पिक कर सकते हो। अब आप देखो, आपने पांच सब्जेक्ट भी बता दिए और अपना जो एरिया है उसको नैरो कर लिया। ठीक है, जैसे आप टीडी है तो वो अगर आप टीडी बोलते या एचटी बोलते तो घुमा फिरा के इधर उधर से कॉन्सेप्ट जोड़ के आपसे क्वेश्चन पूछते ही पूछते, तो आपने दोनों सब्जेक्ट बोल लिया है ना, तो ये तीनों सब्जेक्ट आपका इंटरलिंक है। एक बोलोगे तो वो दूसरे से ऑटोमेटिकली क्वेश्चन पूछ लेगा रिलेट करके कहीं ना कहीं से। जैसे मान लो आपने फ्लूइड नहीं बोला, एचटी बोल दिया, तो वो कन्वेक्शन से रिलेट करके कोई ना कोई कॉन्सेप्ट फ्लूइड का निकाल लेगा, इंटरनल फोर्स कन्वेक्शन पूछ लेगा, एक्सटर्नल फोर्स कन्वेक्शन पूछ लेगा, कुछ भी वो पूछ सकता है। ठीक है, तो आपने स्मार्टली ऐसा पिक किया कि जो सब्जेक्ट इंटरकनेक्टेड है वो वैरायटी भी है। ठीक है, बाकी बहुत सारे क्वेश्चन लोग पूछते हैं, क्या एमडी पिक कर सकते हैं? बिल्कुल पिक कर सकते हैं आप, लेकिन आपको एमडी फिर उस लेवल से प्रिपेयर करना पड़ेगा। क्या मटेरियल साइंस पिक कर सकते हैं? तो मैं तो यही कहूंगा कि आप मटेरियल साइंस को थोड़ा सा अवॉइड करो, क्योंकि जो मटेरियल साइंस सब्जेक्ट है ना उसका बहुत वास्ट है वो मटेरियल साइंस। जब आप मटेरियल साइंस की बात करो, मटेरियल साइंस का सिलेबस बहुत बड़ा, आपको बहुत ज्यादा रीडिंग करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअली चीजों को समझना पड़ेगा, और अगर आप गेट का तैयारी करके बैठे हो तो गेट में मटेरियल साइंस एक नंबर का आता है, लोग ढंग से उसको पढ़ नहीं देते हैं। ठीक है ना, तो आप अवॉइड करो। लेकिन अगर आपका बहुत अच्छा कमांड है मटेरियल साइंस, तो आपने बहुत अच्छा पढ़ रखा है, तब आप मटेरियल साइंस पिक कर सकते हो। लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप कमांड हो तभी आप पिक करो। प्रोडक्शन के सब्जेक्ट्स, प्रोडक्शन में अगेन एप्लीकेशन पार्ट है, तो अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो प्रोडक्शन आप पिक करो, अदरवाइज आपको दिक्कत होगा। ठीक है ना, तो प्रोडक्शन आप तभी पिक करो जब आपको एक टॉपिक पे अच्छे से कॉन्सेप्ट पे कमांड हो कि आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा आप कर सकते हो, उस लेवल का आपको कमांड हो अच्छे से, जो कि यूजली लोगों को नहीं होता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये एक बेस्ट कॉम्बिनेशन है। उसका कारण क्या है कि बीआरसी में मैक्सिमम न्यूक्लियर रिएक्टर डिजाइन पे काम होता है, तो उस मैकेनिकल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें हीट ट्रांसफर फ्लूइड मैकेनिक्स और स्वॉर्म का बहुत ज्यादा यूज होता है। जब आप ट्रेनिंग स्कूल में जाओगे ना, तब भी इन सब्जेक्ट्स स्वॉर्म से रिलेटेड कई चीजें पढ़ोगे आप, जैसे फ्रैक्चर मैकेनिक्स पढ़ोगे है ना, फ्लूइड से भी आप सीएफडी पढ़ोगे वहां जाके। ठीक है, सीएफडी क्या है, फ्लूइड और हीट का थोड़ा हायर वर्जन है ना, टीडी भी आप देखोगे, तो ये सारे सब्जेक्ट है जहाँ पे काम होता है, तो अगर आप इनको अच्छे से प्रिपेयर करके जाते हो तो आपका सिलेक्शन का जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ सकता है। ये कॉम्बिनेशन, मैं ये नहीं कह रहा हूँ यही एक कॉम्बिनेशन, इसके सिवाय और कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, ऐसी बात नहीं है। आप कोई भी कॉम्बिनेशन जिस सब्जेक्ट पे आपका कमांड है आप उस सब्जेक्ट को पिक कर सकते हो, लेकिन ये कॉम्बिनेशन अगर आप पिक करेंगे तो मेरी समझ से आप सब्जेक्ट भी कवर कर लोगे और आपका एरिया भी बहुत बड़ा नहीं रहेगा, जो आपका एरिया है वो नैरो रहेगा, तो आपसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछ पाएंगे। बाकी ऐसा भी हो सकता है कि वो छठे सब्जेक्ट से क्वेश्चन आपसे बना के पूछ लें, ऐसा भी कई बार आता है, लेकिन उसके लिए कोई चिंता नहीं करना है। ठीक है ना, तो आप अच्छा, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे क्या फ्लूइड है, तो फ्लूइड मैकेनिक्स में वो हाइड्रोलिक्स से भी क्वेश्चन पूछेंगे। देखो यार, वो कुछ भी पूछ सकते हैं, और ऐसा कई बार हुआ है कि फ्लूइड उन्होंने पूछा है, फ्लूइड सब्जेक्ट लोगों ने लिखा है और उन्होंने पंप का क्वेश्चन पूछ लिया है। इनफैक्ट 2011 में मैंने भी यही कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट का लिखा था, फ्लूइड लिखा था, हाइड्रोलिक्स नहीं लिखा था, तो सेंट्रीफ्यूगल पंप का क्वेश्चन मुझसे इंटरव्यू में पूछे गए थे। ठीक है ना, इनफैक्ट उस समय मैं उन क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाया था, बट पूछे गए थे, सेंट्रीफ्यूगल पंप पे क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है ना, तो यस, अगर आप एफएम तैयार कर रहे हो तो आपको साथ में हाइड्रोलिक्स थोड़ा देखना पड़ेगा, बेसिक चीजें कि हाइड्रोलिक्स कैसा है। इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे मान लो आप मटीरियल साइंस का बात करते हो, तो मटीरियल साइंस से एलाइड चीजें बहुत ज्यादा है ना। आप जैसे मशीन डिजाइन है, मशीन डिजाइन में वो धीरे से मटेरियल साइंस में घुस जाएगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन रिलेट करके पूछ सकता है। तो ऐसे करके इन सब में क्या ना, एलाइड सब्जेक्ट चीजें डाइवर्जन बहुत ज्यादा है। जैसे आप एक आंसर दोगे तो उसमें 40 क्वेश्चन आगे से जनरेट होता है। आपको हमेशा ध्यान रखना है, जैसे इंटरव्यू में आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, तो आपको आंसर इतना कॉन्साइज करना है, हमेशा जो इंटरव्यू होता है ना, आपकी बातों से जो आप आंसर देते हो, बहुत सारे क्वेश्चन वहीं से जनरेट किए जाते हैं। ठीक है, आप आंसर दे रहे हो, आप कुछ हल्का सा डेविएट हो गए, वहीं से वो क्वेश्चन पिक कर लेंगे। ठीक है ना, तो आपको जब भी आंसर देना है तो आपको ये नहीं छोड़ना है कि आप एक आंसर देते समय उसमें उनको 10-15 पॉइंट छोड़ दो कि वो वहां से क्वेश्चन जनरेट करके फिर आपसे पूछ सकते। ठीक है,
बाकी आप अपने हिसाब से चीजें वेरी कर सकते हो। मेरे हिसाब से ये बेस्ट कॉम्बिनेशन, क्योंकि आप देखो टीडी एचएमटी एफएम है ना, तो ये सारे बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, आप आरएसी भी पिक कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको एक एक डिजाइन का कम से कम मेरी समझ से 3:2 के रेशियो पे आपको चलना चाहिए। 3:2 मतलब कि 3 थर्मल के और 2 डिजाइन के, या 3 डिजाइन के 2 थर्मल के, इस रेशियो में जो आपका इंटरव्यू है वो बढ़िया जाएगा। आप इधर मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैक्सिमम लोगों का ये सारा जो चीजें होता है ना थोड़ा सा वीक होता है, तो उन लोगों को पढ़ने में दिक्कत होता है, ठीक है। एफएम से एलाइड आपको हाइड्रोलिक करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें ज्यादा और एलाइड है नहीं, ये सब थर्मल से ही जुड़े हुए एरिया है, ठीक है। तो ये कर लोगे तो आपको ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। सॉम और ईएम, ये तो दोनों लिंक्ड है ना, तो हम इस पे ये भी डिस्कशन करेंगे। बाकी आपका कोई क्वेरी है सब्जेक्ट सिलेक्शन से रिलेटेड, तो अब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएं कि आपका क्या क्वेरी है और आप कौन सा कॉम्बिनेशन पिक करना चाहते हैं। और इसी कॉम्बिनेशन पे हम लोग आपको क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कराएंगे इस कॉम्बिनेशन में, जो हम लोग कॉम्बिनेशन दे रहे हैं ईएम या अब यहाँ आरएसी, ठीक है ना। तो इन्हीं इन्हीं सब्जेक्ट, अगर आप ये सब्जेक्ट पिक करते हैं तो हम आपको सैंपल क्वेश्चंस इसमें प्रिपेयर कर बताएंगे, आपको टेक्स्ट बुक बताएंगे कि कौन सा सब्जेक्ट में कौन सा टेक्स्ट बुक आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है ना, और क्या क्या कैसे कैसे सैंपल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अगर आप इनके सिवाय कोई दूसरा सब्जेक्ट पिक करना चाहते हैं तो हम पूरा बेस्ट पॉसिबल कोशिश करेंगे कि आपका उस सब्जेक्ट में हेल्प कर सकें इन टर्म्स ऑफ आपको कंटेंट बताने में। तो ये तो ये इस इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम का पहला वीडियो था, जिस वीडियो में मैंने कोशिश किया है ये एक्सप्लेन करने का कि आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन करते समय कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है। बाकी ये कोई आखिरी नहीं है कि यही इसी पे लोग सिलेक्ट होते हैं, लोग प्रोडक्शन लेके भी सिलेक्ट हुए हैं, मटेरियल साइंस लेके भी लोगों का सिलेक्शन हुआ है, ठीक है ना। तो आप ये वीडियो देखें सब लोग और अपना सब्जेक्ट जो है वो पिक कर लें, और आपका सब्जेक्ट क्या, आपने कौन कौन सा सब्जेक्ट लिया कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके बताएं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप ये सब्जेक्ट पिक कर रहे हैं तो आपको कौन कौन सा बुक रेफर करना है और कौन कौन सा स्टडी मटेरियल फॉलो करना है। तो तब तक आप ये वीडियो कंप्लीट कर रहे हैं और स्टे ट्यून्ड, आपको नेक्स्ट वीडियो में जो हर टॉपिक का कंसर्न टेक्स्ट बुक्स है या स्टडी मटेरियल है उसके बारे में मैं बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।